सिल पे पसी चटनी कबाब पराठा, सर्दी में कबाब पराठा ना हो तो मजा ही नहीं भाई। बात तो सही है, जैसा भी है आप करिएगा गुजारा, देख के हम खाते अपने खर्चे पे, आप खाइए अपने खर्चे के ऊपर। तो उसके लिए दुआ करिए भाई, देखो 30% चावल मैंने पहले डाल दिए, ओके, क्योंकि नॉर्मली औरतों को नहीं पता होता, सही है। एक बार सम टाइम आधा कप चावलों का पानी मैं बचा लेता हूँ, ओके, आपको दम पे डालने होते हैं ना। लेकिन भाई कहीं से अपने अम्मी का साउंड नहीं आया होगा, तो ना अम्मी पुटा डालू, अम्मी धनिया डालू, अम्मी पुदीना डालू, अम्मी मिर्च डालू, नहीं। My man checking my ear. See, saving my time, spending money and saving my time. That's it. यहाँ पे लाइन पे आप लगते हो CVS फार्मेसी पे, जो CVS फार्मेसी का भी आपको डिटेल बताऊंगा, मैं वीडियो बनाना भूल गया था, अब यहाँ पे मैं इस पर लगाऊंगा ऐसे करके, ओके, इसको कर दूंगा सेंड, टपाटप चला गया, ये ऊपर चल गया, ऊपर जाके वो सामने वालों को मिल जाएगा और आपका भाई यहाँ से अब चलता है घर। मेरे एक डॉक्टर हैं जो मेरे सब चीज़ें हैं, मेरा पूरा कंप्लीट चेकअप करते हैं हर साल, हर 3 महीने बाद होता है, एक महीना हर साल होता है ना। आज का नाश्ता है भाई कबाब पराठा, और ये इमाम दस्ते में इसको बकायदा पिसा गया है, इसमें 100 साल की मेहनत हो अगर ये मसाले अगर आप लोगों को पिसने हैं तो। आज का नाश्ता आपने देखा क्या हो रहा है, सिल पे पसी चटनी कबाब पराठा, सर्दी में कबाब पराठा ना हो तो मजा ही नहीं है भाई। बात तो सही है, जैसा भी है आप करिएगा गुजारा, देख के हम खाते अपने खर्चे पे, आप खाइए अपने खर्चे के ऊपर। बच्चा पार्टी है स्कूल जाने के लिए, आज सुबह सुबह शावर शावर ले लिया है, फील लाइक -5 इन सेल्सियस। हेलो, ये मेरी बेटी बोलो हाय। हाँ, सबसे पहले शी वेक अप राइट। तो बच्चे नाश्ता कर लिया आपने, कहा है देखो, कर लिया कर लिया कर लिया, चलो भाई बेगम चाय दे दो, मेरी चाय 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 दे दो, चाय जाओ जाओ, ये रही देखे, ये रही, आ जाओ आ जाओ बेगम, आ जाओ कसम दौड़ दो आज कैमरे में, आ जाओ आ जाओ। नाश्ता कर लिया भाई, खैर। अबे यार आज तो आपका भाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग करना तो भूल ही गया था भाई। ओए होए 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 होए, नाश्ता करा है क्या, कबाब जबरदस्त लैम के कबाब थे भाई, और पराठे थे, और सिल के बसी भी चटनी थी भाई। अच्छा, और सुबह का मंजर कुछ ऐसा है भाई। खैर, देखने से पहले अपने भाई के व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना प्यार दिखाते रहिए भाई। आपका भाई डेली व्लॉग आप लोग के लिए बना रहा है, बाकी मेरा ईमान है भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इज्जत देने वाला है, एक दिन आपके भाई को भी इज्जत देगा, जैसे आप लोग के दिलों में मेरे लिए प्यार डाल रहा है, सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है भाई। आप देख रहे हैं ये, आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बर्फ जमी हुई है, चलिए मैं आपको पानी के ऊपर लेके चलता हूँ। ये आपको चीज़ें सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको देसी ऑन द व्हील पे ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसा हंसी मजारा सुबह का। ये देख रहे हैं, ये उसके ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है, ये बर्फ जमी हुई सारी भाई। कोई बहुत ही टाइट वाला फ्रीजिंग वेदर था कल और परसों, दोनों दिन बकायदा बारिश के साथ पतली पतली बर्फ गिर रही थी, विच इज डेंजर। मेरे ये बैकयार्ड के ऊपर भी जो है ना बकायदा बर्फ थी, कल अगर मैं नहीं देखता या मेरी वाइफ मुझे नहीं रोकती ना, मैं सीधा जाता गिरता, क्योंकि मैं बालकनी चेक करने के लिए, बैकयार्ड चेक करने के लिए मैं जाता हूँ, इस पे हम लोग बहुत कम बैठता हूँ, सिर्फ आपका भाई बैठता है और कोई नहीं बैठता जाके ऊपर, बस आपका माशाल्लाह माशाल्लाह आगे आगे मेरी जान। देखा 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 देखा, ये सब आपसे भाई से मोहब्बत करती हैं, और आपके भाई के लिए जैसा आपका भाई बाहर आता है ना, ये पुटियाँ फ़ौरन बाहर आती हैं, क्योंकि यार मैं इनका खाना जो है ना मैं लाना भूल रहा हूँ, वो खाना मैं मंगाते हम लोग अमेजोन से ना, तो अभी सामने वाली दाल रही है ना, चले मेरे होते हुए ये तो है ना कि कोई और दाल रहे, जब आएगा सामान सारा एक साथ ही आपका भाई इनके लिए खाना मंगाएगा। अभी आपका भाई जाएगा बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, देखेगा थोड़ा सा काम बाकी रह गया, ड्रग टेस्ट वगैरह मेडिकल वगैरह वो करवाने का सोच रहा हूँ कि वो आज करवा के फारिग हो जाऊँ। चले भाई अंदर चलते। हाँ भाई, बच्चों को स्कूल छोड़ के आपका भाई रुका है भाई हवा दलवाने के लिए, यार खुद डालने की सीधी सी बात है भाई, भाई की हिम्मत नहीं हो रही, बाहर हो रही सर्दी, अंदर शॉप पे बस अभी ये लोग आए हैं, मैकेनिक बोलते हैं वी आर ओपनिंग कंप्रेसर देन फिल द एयर, $1-2 लेगा, इसको हवा दे के खली वली करूंगा, क्योंकि सर्दियों में हवा जो है वो ज्यादा सक हो जाती है, क्योंकि जमीन जो है वो हवा को सक करती है, इस कॉल
ग्रेविटी, तो हवा डालनी है अभी आपके भाई को। उसके बाद शायद देखो अपने डॉक्टर को मैं कॉल लगाता हूँ, अगर वो बोलेगा हाँ आ जाओ, रश नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास अपना पूरा फिजिकल चेकअप के लिए जाता हूँ साल में एक दफा ना, क्योंकि वो भी करवाना जरूरी है, उससे पता चलता है आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मसले मसाइल हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई और मजीद आए, लेकिन जाना जरूरी है मेरा। बात तो सही है। चले यहाँ से हवा भरवाते हैं, उसके बाद फिर टॉप और टॉप घर चलते हैं। माय मैन चेकिंग माय एयर, सी सेविंग माय टाइम, स्पेंडिंग मनी एंड सेविंग माय टाइम, दैट्स इट। 40-40 डालेगा हवा, विंटर चल रही है भाई सब के अंदर, माना हवा का लोचा ना आ जाए। अच्छा ये टायर वाला बुको मेरे घर के सामने बैठा हुआ, मुझे ये फायदा है बस गेट से बाहर आऊँ, सामने आऊँ, दिल्ली से हवा दलवाऊँ, फारे खाली वाली, क्योंकि सर्दी हो रही है, मैकेनिक एक्सेस के यूज तो नहीं होते, हवा भरवाते हैं घर डलते हैं। मुझे आना था सीवीएस फार्मेसी, मेरे का यार क्यों टाइम बचाओ, अमेरिका में मेडिसिन इस तरीके से जाती है, यहाँ पे लाइन पे आप लगते हो सीवीएस फार्मेसी पे, जो सीवीएस फार्मेसी का भी आपको डिटेल बताऊंगा, मैं वीडियो बनाना भूल गया था, अब यहाँ पे मैं इस पर लगाऊंगा ऐसे करके, ओके इसको कर दूंगा सेंड, टपाटप चला गया, ये ऊपर चला गया, ऊपर जाके वो सामने वालों को मिल जाएगा और आपका भाई यहाँ से अब चलता है घर, ताकि एक काम तो हो जाए ना भाई हमारा। क्यों भाई? हाँ जी भाई, आपका भाई अपने हॉस्पिटल डॉक्टर चेकअप के पास आ चुका है, ये अंदर जाऊंगा, अल्लाह करे उनके बाद रश ना हो, मेरे एक डॉक्टर हैं जो मेरे सब चीज़ें हैं, मेरा पूरा कंप्लीट चेकअप करते हैं हर साल, हर तीन महीने बाद होता है, एक महीने बाद हर साल होता है ना, पूरा कंप्लीट चेकअप करते हैं। यहाँ से जाते हैं अंदर, हेलो बॉस, चलते हैं अंदर, उसके बाद जाके बताते हैं भैया। यहाँ पे मैं अपना नाम लूंगा, यहाँ पे चेकअप के लिए यहाँ पे देखूंगा सारा कुछ। आपका भाई भाई अपने डॉक्टर का वेट कर रहा है, डॉक्टर आने वाला है, डॉक्टर अंदर है, लेकिन जब वो बुलाएगा आई थिंक पेशेंट के साथ बिजी है ना किसी ना, तो लेकिन मुझे फिर भी ये लोग नंबर से लेके बुला लेते हैं अंदर, क्योंकि बहुत सालों से आ रहा हूँ। ये तो जुगाड़ है भाई, जुगाड़ नहीं, लाइन स्किप नहीं करता मैं, लाइन में खड़ा रहता हूँ, लेकिन हर किसी का चेकअप अलग अलग होता है, किसी का एक जैसा चेकअप नहीं होता है, इसलिए उनको पता है मेरा कौन सा है, तो वो फिर मेरे हिसाब से ही बुलाते हैं मुझे ना, लाइन स्किप नहीं करते। पर ये होता है कि मैं अंदर जाकर बैठ जाता हूँ ना, जैसे मेरी फाइल उनके पास आती है तो वो मुझे बुला लेते हैं। पूरा ईयरली चेकअप होता है, इसका रिजल्ट आता है 6 डेज के अंदर आता है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर अच्छी बात नहीं होती, आप देख रहे हैं तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है पीछे यहाँ पे। हाँ जी भाई, आपका भाई डॉक्टर के पास आ चुका है, और मुझसे एक गलती हो गई सिर्फ ना, कि मैं फास्टिंग करके नहीं आया, मेरी हर चीज शुगर लेवल वगैरह हर चीज पूरी हाई आई है, तो मैं आज चले जाऊं और कल दोबारा खुआरी करो। अभी मेरे डॉक्टर आते हैं, उसने एक टेस्ट तो अपना कर लिया है, क्योंकि एक ब्लड टेस्ट से जो है ना आपके बहुत सारे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं ना, अभी वो आएंगे तो वो लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि उस वक्त वो आई थी, मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि नो वीडियोस नॉट अलाउ, तो वाली सी बात है, हर जगह की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। आपका भाई ने बोला ओके, अभी वो बाहर गई है, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी वो सारे टेस्ट वेस्ट लेगी, उसके बाद एक हफ्ते के बाद मेरे पास आ जाएगा पूरी बॉडी का हाल, कि मेरे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। बस दुआ में याद रखिएगा भाई को, डॉक्टर आने वाले हैं, बस आपसे डॉक्टर के बाद मिलते हैं। हाँ जी भाई, यार अभी डॉक्टर के पास से आया हूँ, वहाँ पे यार बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया था कि यार हॉस्पिटल में वीडियो नहीं बनाओ। उसकी जो नर्स थी ना आरएन, उनका ओके भाई कोई मसला नहीं है, बस मैं घर आया हूँ, बीच में मैं कुछ काम कर रहा था अपना ना, गाड़ी का कुछ काम कर रहा था ना, पर्सन ना इंश्योरेंस बहुत हाई आ रही है, तो वो देखनी थी यार कहाँ से इंश्योरेंस सस्ती मिल रही, भाई इंश्योरेंस बहुत बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर। फिर अपनी जाके मेडिसिन पिक की, एक और दोस्त को देनी थी, वहाँ से वो पिक किया, अभी बस घर आया हूँ, और अभी कुछ जाने का काम देखते हैं, लोड शोड देखते हैं कि कहाँ जाना है लोड लेके, इसलिए आपका भाई कनेक्टेड आपसे थोड़ा सा गायब हो गया था बीच में ना, फिक्र मत करना, इधर ही बैठा हुआ हूँ, इधर ही। हाँ जी भाई, खैर आपका भाई आके बना रहा था बिरयानी, क्योंकि भाई की तबीयत खराब थी, भाई सो रही थी, तो मैंने कहा कि भाई क्या बनाया जाए, तो उसके लिए दुआ करिए भाई, देखो 30% चावल मैंने पहले डाल दिए, ओके, जो कि नॉर्मली औरतों को नहीं पता होता, सही है। अब ये बाकी जो है 80% चावल आपका भाई बाद में डालेगा, जब बन जाएगी उसका भाई आपको बताएगा। खानदानी बिरयानी आपने हमेशा देखी होगी, लेकिन हर दफा एक नए अंदाज के साथ होती है बिरयानी। अब देखें ये चावल मेरे हो गए 80% डन हो गए। अच्छा ये मेरा होता है अंदाजा होता है ना, ये मुझे पता होता है कि मेरी चीज अपना कैसे बन रही है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करें, बिस्मिल्लाह हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़े खाने से पहले, बाकी आपका जो भी मजहब है आप उसमें पढ़ सकते हैं। अभी जब ये हो जाएगा ना मेरा, तो मैं बताऊंगा पूरा, ये मैं भी आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं जरा ये चावल छान लूं, तो यार रखूं। चलो ये मैं छानना है मेरे चावल थोड़े से, तो आई थिंक उससे आई पूरा आई नहीं है, थोड़ा सा चावलों का पानी मर्जी है, सब टाइम मैं चावलों का पानी नहीं फेंकता ना मैं, मैं सम टाइम चावलों का पानी नहीं फेंकता हूँ, लेकिन इस दफा मैंने फेंक दिया है, लेकिन सम टाइम आधा कप चावलों का पानी मैं बचा लेता हूँ, ओके आपको दम पे डालने होते हैं ना। आप देख रहे हैं ये मैंने चावल
आपके पास चढ़ा दिया। आपने कहीं से भी ये नहीं सुना होगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन भाई कहीं से आपने अम्मी का साउंड नहीं आया होगा। तो ना अम्मी पुट डालू, अम्मी धनिया डालू, अम्मी पुदीना डालू, अम्मी मिर्च डालू, नहीं। और जब मेरी अम्मा आएगी तो आप पूछ सकते हैं मेरी बेगम से भी और मेरी माँ से भी, बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको छोड़ दिया है। इसको 5 मिनट के लिए आंच कर दी, तेज कर दी है फुल पे। ओके, आपने अम्मी का साउंड नहीं सुना होगा कहीं से। क्यों? हाँ बेगम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो भाई, एक है तो ये देखो, ये गोश आपके भाई का होता है साइडों के ऊपर ना, आप चेक करें। माशाल्लाह बोल दिएगा देखने से पहले। देखे माशाल्लाह, कैसी लग रही है बेगम? जबरदस्त। हाँ, खानदानी है नहीं है? कोई मेरी बिरयानी को हिस्सा का बीक कर सकता है? बताओ। नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप चेक करो। भाई आप चावल का साइज चेक करें, सस्ता तरीन चावल है ये। चावल का ये रहता है, चावल को जितना गर्म पानी के अंदर भिगो के रखेंगे घंटा पौना घंटा, उतना चावल बड़ा होगा। 30% चावल आप लोग पहले डालें, 70-80% बाद में डालें। मैं आपको कुछ लोगों को गाइड नहीं कर सकता कि 70% चावल कैसे चेक करते हैं, क्योंकि मुझे होता है अंदाजा। एक हल्की सी अगर कनी रहती है तो समझो कि 70% हो गया, और उसमें हाफ कनी रहती है, आधी कनी से थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कच्चा होता है, तो चावल आपका ऐसे होता है। आपको डाल दें इतना मेरा क्या भाई, ह्यूस्टन के अंदर मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर ऐसी कराची बिरयानी नहीं मिलती है। ये आप किसी से भी मालूम कर लें, सब कराची में मंजन बेच रहे, सब चूरन बेच रहे हैं। दिस इज कॉल ओरिजिनल कराची बिरयानी, हाउ टू मेक इट। कभी आप लोग मेरे घर पे आएंगे सब्सक्राइबर, मैं उनको खिलाऊंगा अपने हाथ की खानदानी बिरयानी बनी हुई। बिस्मिल्लाह। और मैं नहीं बोलता, जिन जिन लोगों ने खाई हुई वो सारे बोलते हैं। खाना वाना खा लिया भाई आपका भाई? यार आपके भाई का पता है वजन 4-5 पाउंड बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने 2 महीने से जो है ना आपके भाई ने वॉक छोड़ी हुई है, मतलब सही वाली वॉक जो मेरी पहले होती थी 2 से 3 महीने पहले ना, मैंने वॉक छोड़ी अपनी, और मुझे देख के जो है ना आज अपने आप से चिढ़ आ रही है कि मेरा वजन 5 पाउंड कैसे बढ़ गया। खैर एनीवे, मेल बॉक्स चेक करने जा रहा हूँ भाई, बहुत दिन हो गया। जो लास्ट टाइम आपके सामने आपने व्लॉग देखा होगा, मैंने जब करा था चेक, और अब सब तक मैं चेक करने नहीं जा रहा था। आज मौसम बेहतर हुआ है तो आज आपका भाई मेल बॉक्स चेक करने जा रहा है। देखते हैं भाई आज क्या हालात होते हैं मेल बॉक्स के, क्योंकि अब ये सीज़न शुरू हो गया है, जनवरी फरवरी के बाद से सारे पेपर्स गैदर होना एक साथ हमें जमा करने होते हैं, क्योंकि टैक्स वाले को फिर हमें देने होते हैं ना। चले, खाना तो एंजॉय किया होगा आपने। चले भाई। हाँ जी भाई, मेल शेल ले ली भाई सारी, थोड़ी सी मेले मैंने फेंक दी जितनी बेकार थी। अच्छा ये खोलने का टाइम अभी मुझे सारा कुछ इस वजह से मिला, इसके अंदर भी कचरा होगा, लेकिन वो किसी और बंदों की मेल थी जो पहले एक ज़माने में इस घर पर रहते होंगे ना, लेकिन आपके भाई की मेले नहीं थी भाई वो, क्योंकि मेरी वाइफ को बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना है। तो मैंने कहा चलो बस मैं आ रहा हूँ लेके मेल को, मैं घर में खोल के देखूंगा। नॉर्मली मैं सारी काम की मेले ले आता हूँ, बाकी वहीं पर ही फाड़ के मेरी ट्रैश कैन पे मैं वहीं पर ही फेंक देता हूँ। चलो भाई चेक करो भाई, घर आया हूँ, देखो कितना सारा ये ट्रैश था, ये सारा कुछ ट्रैश था। इसमें मेरी मेल कोई भी काम की थी, लेके मुझे यहाँ की खोल के देखनी थी, ये टैक्स टैग वगैरह फला धमाका ये वो अगड़म बगड़म शगड़म यही होता भाई ये, लेकिन वहां चेक नहीं कराए क्योंकि मेरे मैं जैसी घर आया हूँ मेरी वाइफ फौरन से चले गई, अल्लाह की कसम फौरन चले गई क्योंकि वी आर गेटिंग लेट। अभी आपका भाई सारे कचरे वचरे को उठाकर फेंकता है, यार ट्रक भी सफाई करना है, मैंने काम पे भी जाना था, लेकिन जहां पे मैं जाता हूँ पेंसिल्वेनिया वगैरह में वहां पर अभी भी स्नो चल रही थी, क्योंकि मुझे ब्रोकर बता चुका था और मैं अपडेट चेक कर चुका था कि फ्राइडे को 75-80% बर्फ, तो यार वो बात होती है अपना फंसने वाली। और मुझे मिसिसिपी से जाना था, मिसिसिपी भी के अंदर एक बंदा था, उधर भी अभी भी रोड के हालात खराब है, तो मैंने कहा यार फिर अच्छा है आप घर पे बैठा रहो, सही है काम का लॉस हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चलाता भाई स्नो के अंदर, मुझे फंसने का कोई शौक नहीं, दूर उधर भी सुकून से बैठा रहो घर में, कल परसों मैं निकलूंगा सैटरडे तक, वेदर साफ हो जाएगा ताकि मैं मंडे में वहां पर पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपका भाई जाएगा, दुआ बस बद्दुआ करते रहे अपने भाई के लिए। आप अल्लाह मियां बुरे वक्त से सबको निकाल देता, सारे डॉक्टर हजरात को सबको निकाल देगा इंशाल्लाह, एक वक्त आएगा बहुत जल्द आने वाला है, जाइएगा नहीं मेरी। चलो भाई लव यू, हो गया भाई बच्चे आ गए, अभी जब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, उन्होंने शावर शावर नहीं लेना, उन्होंने शावर शावर उन्होंने नहीं लेना, कहाँ है कहाँ कम वक्त हो इधर क्यों आ रही है चलो 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 उतारे उतारे कपड़े उतारे
चलो तारे कपड़े चल 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 चलो 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 आज बेटा नमाज पढ़नी है आज शाबाश 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 पढ़ियो आज 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से इधर 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 मास मास कम हियर मास नमाज पढ़नी आई इधर चलो मेरी बच्चा पार्टी नहा के रेडी हो गई जा रहे नमाज पढ़ने चलो 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 पार्टी चलो 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 पार्टी चलो बेटा पार्टी चलो 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 मस्जिद चलो मस्जिद चलो मस्जिद चलो आपका मस्जिद जा रही है तो इनका आपका भाई लेके जा रहे हैं मस्जिद एज यूजुअल हमेशा की तरह जैसे आपका भाई घर पे रहता है तो मस्जिद जाता जरूर स्टे ट्यून्ड विद मी चलो बेटा चलो 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 माशाल्लाह बोल दिया माशाल्लाह बोले बोले से माशाल्लाह Yes. हाँ भाई आपका भाई गाड़ी में बैठ चुका है भाई बच्चों को लेके जा रहा है मस्जिद एज यूजुअल हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारे काम दुनिया दीन सब साथ साथ लेके चलना पड़ता है चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हो बाप का माँ का फर्ज निभाना बड़ा ही मुश्किल काम है भाई तो बस आने वाले हैं यार मस्जिद पहुँचने वाले मस्जिद पहुँचते हैं उसके बाद आपसे कब मस्जिद के बाद बात करते हैं ऑलमोस्ट पहुँच गए मस्जिद ऑलरेडी नमाज का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है और जो कि मुझे असर पढ़नी थी ऑन टाइम जमात नमाज पढ़नी थी वो अपने बच्चे आ रहे हैं भाई मैं तो गाड़ी में आके बैठ गया था ये मेरे बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह ये बच्चे आ रहे हैं भाई चलो बेटा पार्टी चलो आ जाओ चलो आ जाओ चलो आ जाओ बैठो 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 गाड़ी बैठो जाना है आ जाओ आ जाओ शाबाश चलो भाई घर आ चुके भाई वो अपनी बसंती खड़ी है बराबर बस घर जाने फटाफट फटाफट टापो टाप टापो टाप टापो टाप टापो टाप टापो टाप ये आ रहा भाई ये क्यों आ रहा भाई बीच में ये बच्चों का टैंक आ रहा है बीच में ये टापो टाप टापो टाप हाँ भाई बच्चों को घर वर छोड़ा भाई जान आपके भाई ने अपनी वॉच उठाई एप्पल वॉच पहले की तरह ये वाली वॉच ये इसके अंदर मैं अपना जो है ना ये मैं अपना टाइम लगा देता था इससे मुझे पता चलता था कि मेरी अपना कितनी कैलोरीज बर्न हुई है अभी विंटर है यार विंटर में तो दिन इतना छोटा हो चुका है तो आपका भाई जो है वो वॉकिंग शॉकिंग छोड़ चुका है और बहुत सारी जगहों पे सर्दियां बहुत होती हैं तो मैं वॉक काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा मैं डेली की हैबिट जैसे दो तीन महीने पहले एक डेढ़ माइल आधा पौना घंटा मैं डेली वॉक करता था अपनी कैलोरीज बर्न करता था जितना मैंने खाया 200-300 कैलोरीज एवरी डे बन कर रहा था मेरा वेट था 176 ऐसी कुछ था आज देखा मैंने 184 हो गया भाई का वेट मैं तो चौंक गया देख के खैर एनीवे तो आज का व्लॉग भाई यही था अगर आपका अपने भाई का व्लॉग आपको अच्छा लगा आज का तो उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें फेसबुक पर भी जाके भाई का पेज को जाके लाइक करें बल्कि फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जाके घंटा दबा दें भाई आपका भाई डेली व्लॉगिंग कर रहा है अपना प्यार दिखाइए बाकी जब मेरे रब ने नवाजना होगा वो नवाज रहे छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे कभी एक साथ ऐसे ऐसे होता है ये ज़िंदगी का पार्ट है भाई ज़िंदगी में काम करते रहें ज़मीन से चला हूँ ऊपर भी जाऊँगा इंशाल्लाह जहाँ इतना नाम कमाया है तो वहाँ पर भी नाम कमाएंगे भाई अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा देसी ऑन द व्हील पेज पर लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सर्दी बढ़ रही है भाई वॉक नहीं सकती भाई सर्दी बढ़ रही है लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें देसी ऑन द व्हील के अंदाज के अंदर हमेशा की तरह आपको अल्लाह हाफिज़